दूसरी लहर पूरी तरह नियंत्रण में होने के कारण शहर की गतिविधियां भी सामान्य होने लगी है, किंतु अब अचानक ओमाइक्रॉन का पहला मरीज कल शहर में पाया गया, जिससे अब नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा शहर पर मंडरा रहा है। ऐसे में शहर की जनता इतनी लापरवाह है कि बर्डी के मार्केट परिसर में कई लोग बिना मास्क घूमते नजर आए, जिसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना का जो कहर है कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन नया जो वायरस है, नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसका जो है पहला जो है मरीज नागपुर शहर में कल दिखाई दिया, जिसके बाद भी बर्डी के जो है मार्केट परिसर में है आप देख पा रहे हो, तो भी लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, मास्क लगाए नहीं दिखते हैं लोग, मास्क लगाते भी है तो वो नाक से नीचे लगाए रखते हैं, मुंह पे ऐसे मास्क लगाए रखते हैं, और कोई लोग तो ऐसे है कि बिना मास्क के ढड़ल्ले से घूम रहे हैं, ना उन्हें कोरोना की चिंता है ना प्रशासन का डर है। और प्रशासन भी है कि जब कोरोना बढ़ता है शहर में, कोरोना के मरीज बढ़ते हैं, उतने ही टाइम तक जो है मास्क का जो है यहाँ पर अवेयरनेस के लिए उनका जो टीम रहता है एनडीएस की टीम देखने मिलती है या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना का कहर कम हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है, फिर भी लोगों में जो है डर नहीं दिखाई दे रहा, और लोग जो है खुलेआम जो है कोरोना मानो चला गया हो ऐसे तरह से मार्केट एरिया में घूम रहे। राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।